आरती माजी कितने हैं भाई साहब? माँ तो दिल्ली चली गई, बस अभी उन्हें छोड़ के आ रही हूँ। दिल्ली क्यों गई? वो माता के मंदिर में चद्दर चढ़ाने। वो क्या है भाई साहब कि माँ ने मन्नत मांगी थी कि जिस दिन उन्हें नैना में ठीक होने के आसार दिखने लगेंगे वो माता के मंदिर में चद्दर चढ़ाएंगी। कल एग्जीबिशन में पहली बार नैना ने स्माइल किया, इस वजह से। मैंने पता है, माँ जी ने मैंने कल ही बता दिया था और उसका रूप भी बदला था जब मैं कल उसे खाना खिलाने गया था। नैना कहीं नजर ना रही? वो पार्क गई है भाई साहब। पार्क तोड़े है, माँ जी गई है दिल्ली, तो फिर नैना के साथ कौन है? मैं उसके साथ जा रही थी और वो थोड़ी देर अकेले रहना चाह रही थी, तो मैंने ड्राइवर और दुलारी को उसके साथ भेज दिया। अच्छा सुन, मैंने एक काम से हरिद्वार जाना, कल सुबह तक लौटूंगा, तो नैना का ध्यान रखना। चलो भाई चलते हैं। जिंदा भी ना होती अगर वो आदमी मुझे बचाने ना आता। उसने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा और ऐसे ही किसी गैर के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दी। मैं उस साफ और नेक दिल इंसान को थैंक यू भी नहीं बोल पाई। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कहाँ पे रहता है। अगर निर्भय को पता चला कि मैं उस इंसान के बारे में पता लगाने की कोशिश करी तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। उस आदमी का ख्याल रखना जिसने मुझे अपना समझ के मेरी जान बचाई, उसने मुझे नई जिंदगी दी। अब प्लीज उसे जिंदगी की हर खुशी देना। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी यादें, मिटा दूंगा तुम्हारी सारी यादों को, सारी यादें मिटा दूंगा। बस अब यादें खत्म, अब वक्त है आगे बढ़ने का, बदला लेने का। जी बिल्कुल बिल्कुल। विक्रम उत्तम कहाँ तुम लोग? जल्दी आओ। खुशखबरी? कोई हमें नया कॉन्ट्रैक्ट मिला क्या चीनी का? याद है मिसेस गहलोत, रिमेम्बर वो पानीपत क्लब वाली? एग्जीबिशन में आई थी। बताओ ये कौन सी गुड न्यूज है? क्या दीदी आप भी नए? अरे सुन ना, पूरी बात सुना कर पहले। कल वो एग्जीबिशन में आई थी, आज उनका फोन आया था और वो कह रही थी कि वो अपने बेटे का रिश्ता हमारी नैना के साथ में करना चाहते हैं। सीरियसली? या ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। वो लड़का वो जो यूएस में एमबीए कर रहा है राइट, और आई थिंक ही इज वर्किंग देयर एज वेल, ये उसके रिश्ते की बात चल रही है नैना से? तो विक्रम ये अच्छी बात है ना, ये तो बहुत अच्छी खबर है। And guess what? वो लोग आज ही आ रहे हैं। तुम्हारी नैना को देखने आ रहे हैं सिर्फ 4 घंटे बाद। वो क्या है ना कि उनका बेटा कल यूएस चला जाएगा, तो वो चाहते हैं कि उससे जाने से पहले वो हमारी नैना से मिले। I'm तो सुपर हैप्पी यार। वो लोग आज आ रहे हैं बट आज तो घर पे कोई भी नहीं है ना, और भाई साहब तो हरिद्वार चले गए और अब तक तो वो आई गेस बहुत दूर निकल चुके होंगे। इट्स ओके, मैं फोन कर लूंगी उन्हें। क्या बात कर रही है? पक्की बात है? फिर तो बहुत ही बड़ी बात है। इस बात के लिए तने इनाम पक्का मिलेगा। इनाम बाद में भाई साहब, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि वो लोग ना आज ही आना चाहते हैं। आज आप घर पे नहीं है, माँ भी घर पे नहीं, तो फिर? अरे तो फिर क्या हो गया? तुम लोग तो हो ना, तुम लोग बात ना कर सकते उनसे? आन दे छोरे वालन, वही बात ना है। गाड़ी को माले वापिस चल रहे घर को। और आरती एक बात सुन, मैं वापिस आ रहा हूँ घर। खूब खातिरदारी करना उन छोरे वालों की। माँ जी ने सब बता दिया उनको नैना के बारे में। और छोरे को अकेले नैना से मिलने भी देना, लेकिन उस लड़के को जाने मत देना।
वो लड़का समझदार होगा तभी तो रिश्ते के लिए हाँ करी उसने। और एक काम करियो, अपने हाथों से नैना को सजाइयो, उसका खूब साज सिंगार करियो, और वो बड़ा वाला जो सोने का आ रहा ना उसके गले में पहनाइयो। हमारी बहन आज के दिन दुल्हन लगनी चाहिए। वो छोरा देखते ही उसे आ करता है, समझ गई ना। और घर को भी खूब सजाना, उनकी खातिर में कोई कमी न रहनी चाहिए। और खाने में दूध लस्सी मलाई लड्डू सब मंगवा लेना, समझ गई ना। जी जी भाई साहब, मैं सब कुछ समझ गई। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। बस मैं पहुंच जाता हूँ थोड़ी देर में। चल भाई जल्दी कर। जी भाई साहब, मैं रखती हूँ फोन। हो गया, बस करो। वो इस रिश्ते के लिए बहुत सीरियस है। पक्का डन। हमें भी होना चाहिए, नैना हमारी बहन है। Yes, I think yes. You guys are right. Jokes apart, अब नैना के लिए we'll make the best of the arrangements. Done. इस घर में पहली बार मैं सबको इतना खुश देख रही हूँ। और अगर बात नैना की खुशी की तो मुझे लगता है कि मुझे भी इनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि लड़के वालों के स्वागत में कोई भी कमी ना रहे, नैना को ये खुशी मिलनी चाहिए। आप लोगों को आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कोई परेशानी नहीं हुई। एक्चुअली प्रॉब्लम इस बात की थी कि मेरा बेटा कल यूएस वापस जा रहा है, तो मैंने सोचा कि जाने से पहले उसका रिश्ता पक्का कर दे। हमें भी तसल्ली हो जाए, ताकि आजकल की जनरेशन तो आप जानते हैं कि कब जाए अपनी नई लड़की लेके आ जाए। क्यों मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो? मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, माँ का दुलारा है, माँ से बहुत प्यार करता है और माँ की बात भी सुनता है। इसे तो हम अपना बेटा तब मानेंगे जिसने हम दादा बन जाएंगे। कुछ खाने पीने का इंतजाम किया? डोंट वरी, निशानी लेकर आ रही है। छोरी, जलेबी तैयार हो गई। के बात से छोरी, आज घनी खुश लग रही से? वो आज घर में सब खुश है ना, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। हाँ। आज नैना को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं बस चाहती हूँ कि वो उसे पसंद कर ले और नैना अपने ससुराल में इधर से भी ज्यादा खुश रहे। हाँ हाँ, रिश्ता तो हो ही, मारे हिसाब से बड़ा भला कोई है यहाँ। वजह जो भी, मैं बस चाहती हूँ कि नैना का रिश्ता पक्का हो जाए। आप एक काम कीजिए, हाँ, ये जलेबी लेके बाहर जाइए, मैं चाय लेके आती हूँ। तू अपने हाथों से चाय लेके जाएगी तो शायद मौका बन ही जावे। ये ले राम दुलारी, ये जलेबी रख दे। आपने अंबर को हमारी नैना के बारे में बता दिया है ना? हाँ हाँ, आपकी माँ राजेश्वरी जी ने सब कुछ बता दिया था। We don't have any problem. Actually, हमें relation सिर्फ लड़की से नहीं, पूरी family से करना है। You know, it's about proper family, proper background. That's all. अच्छा लगा देख कि आप लोग ऐसा सोचते हैं। So तो है, पर अब देखना है कि लड़का लड़की एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। Please, लड़की को बुला दीजिए ना। हाँ, बस वो आ रही है। वो रही नैना, मेरी बहन। ये नैना है। और ये ईशानी, ईशानी नाम है इनका। चाय लीजिए ना प्लीज। हाँ, ये सब फॉर्मेलिटीज तो होती रहेंगी। मुझे तो लगता है लड़का लड़की को एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए। अगर बात बन गई तो हम लोग चाय के साथ साथ मुंह मीठा भी कर लेते हैं ना। मैं नैना को लेके चलती हूँ। ओके, अगर बात करना फॉर्मेलिटी है, मुझे कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी। क्योंकि मुझे लड़की पसंद है। Congratulations!